तो दोस्तों अभी मेरे पास आप सभी के लिए कमाल की चीज़ है। तो आप सभी भी लॉकडाउन में पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहे होंगे या फिर पबजी में रॉयल पास लेने के लिए पैसे नहीं होंगे आपके पास, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ forabet.com पर जाकर आप 777 जेम सीरीज स्पिन वाला गेम खेल सकते हो। इसमें आपको तीन रो और तीन कॉलम मिल जाते हैं जिसमें इससे सिंबल कम है और हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइस इस गेम से हम हर एक स्पिन से 5,000 रुपये तक जीत सकते हैं। इसका मतलब आप कम टाइम में बहुत सारा पैसा भी यहाँ पे कमा सकते हो। तो आप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वहाँ पे जाओगे तो आपको अपनी फर्स्ट डिपॉजिट का 200% बोनस भी मिलेगा। तो जाओ जल्दी से खेलो और बहुत सारे पैसे कमाओ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप सभी का, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले मैं आप सभी को कुछ अपडेट देना चाहता हूँ कि हम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार। मैं बहुत सारे अपडेट जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप सभी को वीडियो के जरिए नहीं दे पाता तो इंस्टाग्राम पे देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत जरूरी है और आने वाली सीरीज के लिए आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको ग्रे कर दो दबा के और बेल के आइकन पर दबा देना। तो ये बात है उस समय की जब काला दी गैंगस्टर गैंगस्टर नहीं बना था, उसका नाम सिर्फ काला था और सब उसका मजाक उड़ाते थे उसके नाम के भी और उसकी गरीबी का भी। जी हाँ, काला दी गैंगस्टर पहले बहुत गरीब हुआ करता था, उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। तो आज दिखाते हैं तुमको काला दी गैंगस्टर की स्टोरी, कैसे वो बना काला से काला दी गैंगस्टर और कैसे वो बना गरीब से एक मिलियनेयर गैंगस्टर और कैसे उसने इरेंगल पर कब्जा किया ये भी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ यार, सब इसको काला क्यों कहते हैं जबकि ये काला भी नहीं है? इसका जवाब भी उसी से लेंगे वीडियो के एंड में, मेरे को कमेंट में जरूर याद दिला देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस और भी हमारे चैनल पर आती रहती है बहुत ही बढ़िया बढ़िया। और जितने भी काले के फैंस है ना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना यार। बड़ी भूख लग रही है, खाने तक के पैसे नहीं है, करूँ तो क्या करूँ, ना कोई काम धंधा मिल रहा है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। यहाँ के लोगों के तो मजे हैं यार, किसी के पास गाड़ियाँ हैं तो किसी के पास इतने बड़े बड़े घर। सारा इस दुनिया में मैं ही अकेला गरीब बनाया था क्या भगवान ने? कम से कम खाने के लिए कुछ तो दे देते भगवान, मेरा गुजारा तो हो जाता जैसे तैसे। इधर उधर भूखा मर रहा हूँ, अरे देख लो मेरी तरफ भी कोई भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो उस समय में भी एक बहुत बड़ा गुंडा हुआ करता था जिसका नाम था छप्पन भाई। सब इससे डरते थे क्योंकि ये सबसे हफ्ता लेता था और जो जो हफ्ता नहीं देता था ये उसको मार देता था। इस छप्पन भाई के तो ऐसे यार, और कुछ नहीं करना, गन रखो, जो ज्यादा बोलने लगे ठोक दो, नहीं तो राज करो, एक दिन मैं भी इसके जैसा गैंगस्टर बनूंगा, सब मुझसे डरेंगे। अरे नहीं, मैं सबको डराऊंगा नहीं, जो डरते हैं उनको मारूंगा जिससे सब इज्जत करे मेरी। यार छोड़ो शेख चिल्ली के सपने यार, अपनी किस्मत में ये सब कहाँ, अपने खाने का जुगाड़ करते हैं यार। ये ड्रग्स के पैकेट मेरा मार पहुंचा दे, 1,00,000 UC दे दूंगा तेरे को, बस तेरे को छप्पन भाई के आदमियों से बचकर निकलना है यहाँ से मेरा मार। अबे पागल हो गया है क्या तू? तो मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने के लिए बोल रहा है, तेरे 1,00,000 के पीछे मैं अपनी जान नहीं गवा सकता। भाई देख ले यार, 1,00,000 दूंगा बस, एक पैकेट ही तो देकर आना है वहाँ पर। नहीं भाई, मैंने कहा ना मैं नहीं करने वाला ये काम, तू अपना खुद देख। माफ करना पर मैंने आपकी बात सुनी, 1,00,000 के बदले क्या कर रहा है यार? मुझे काम करना है, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, प्लीज मुझे काम दे दो। अच्छा, पर इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है, अगर तू पकड़ा गया ना तो छप्पन भाई के आदमी तुझे जान से मार देंगे, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा इलीगल है और ये काम छप्पन भाई का है, हम इसे चोरी से करते हैं बस। अरे देखा जाएगा, या तो मैं मरूंगा या फिर मेरे पास 1,00,000 UC आएंगे, मैं तैयार हूँ करने के लिए, बताओ क्या करना है? ये ले फिर ये पैकेट उठा, इस पैकेट को तुझे मीरामार में डिलीवर करके आना है। पिकाडो के कसिनो के ठीक सामने तुझे एक काली टोपी वाला आदमी मिलेगा काले कपड़ों में, उसको बोलना झिंगा लाला हुरहुर। अगर वो दोबारा इसको बोलेगा तो समझ जाना कि वही है, बस उसको ये दे देना और 1,00,000 UC ले लेना मुझसे आकर, यहीं मिलूंगा मैं कहीं आसपास ही। ठीक है मैं चला। तो बस यहीं से शुरुआत हो गई काले के गैंगस्टर बनने की, वो ड्रग स्मगलिंग करने लगा इरेगल से मीरामार पर कभी पकड़ा नहीं गया। ऐसा ही काले ने ये पैकेट डिलीवर कर करके 20,00,000 रुपए कमाए, पर कहते हैं ना ऐसा काम ज्यादा देर तक नहीं चलता। काले को एक दिन मीरामार में छप्पन भाई के गुंडों ने ड्रग्स ले जाते पकड़ लिया। तो आगे देखते हैं क्या हुआ फिर।
अच्छा, तो तू है वो जो इतने दिन से हमारी ड्रग्स छुपा कर बेच रहा है। आज तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। छप्पन भाई का ऑर्डर है दिखते ही मार देने का तेरे को। अरे पर तुमने ना एक गलती कर दी। अगर तुम मुझे देखते मार देते तो अच्छा रहता, क्योंकि क्योंकि क्या बे, तुझे अब काट कर चील कौओं को खिलाएंगे ना हम। तुम बचोगे तब ना। अब मैं वो डरपोक काला नहीं रहा दोस्तों। एक महीने से काम कर रहा हूँ जान हथेली पर रखकर। 20 लाख में से तो 10 लाख के तो मैंने हथियार खरीदे हैं। तुमने क्या सोचा था, काला ऐसे ही तुम्हारे लपेटे में आ जाएगा? ये ले भाई, आज तो माल बहुत ज्यादा है। 5 पैकेट देकर आने तेरे को, इस बॉक्स में बंद है वो। 5 लाख मिलेंगे इसके। नहीं, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। ऐसे छोटे मोटे काम कब तक करता रहूंगा मैं? मुझे यही नहीं रहना है, एक दिन बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना है। काला दी गैंगस्टर नाम होगा मेरा। चल साले छपरी चोर, गैंगस्टर बनेगा तू। चल नुबड़े, निकल पहली फुर्सत में इधर से। आज के बाद तेरे को काम भी नहीं मिलेगा। इज्जत से बात कर काला दी गैंगस्टर से, समझा क्या? आज से ऐसे चिंदी चोरों के उल्टे गिनती शुरू। काला दी गैंगस्टर अब जनता के साथ है। जिरंगल की जनता से भिड़ेगा वो काला दी गैंगस्टर के हाथों मरेगा। यहीं से काले का नाम बदल गया, और जब से उसने जनता के लिए गुंडों से लड़ना शुरू किया, जनता काले को अपना मसीहा सोचने लगी। काले का नाम बनने लगा था इरेंगल में, और उसी के साथ काले की मुसीबत भी बढ़ने शुरू हो गई थी। क्योंकि छप्पन भाई को जब ये पता चला कि इरेंगल के लोग काले को पसंद करने लगे हैं और उससे डरना बंद कर दिया है, तो वो काले को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। छप्पन भाई नाम है मेरा, पूरे बबजी में अगर इस नाम का डर कम हुआ तो तुम सब मरोगे। कौन है वो काला जिसने हमारी इज्जत कम करने की कोशिश की? जाओ मार दो उसको, और उसकी लाश लेकर आओ मेरे पास। निकलो जल्दी। तेरी भूकंप, वो लगता है मेरे ऊपर हमला हो गया है। लगता है जैसा सोचा था वैसा हो गया है। छप्पन भाई के आदमी मुझे मारने आ ही गए। भाई आज फीलिंग आई है यार असली गैंगस्टर वाली। इतना बड़ा डॉन मुझसे भिड़ने के लिए अपने बंदे भेज रहा है। इनका मुंहतोड़ जवाब तो देना बनता है। टाइम आ चुका छप्पन भाई को सबक सिखाने का। उस छप्पन भाई को मारने का टाइम आ चुका है, और इरेंगल को गुंडों से बचाने का भी। पूरे इरेंगल को बेच डाला इन दलालों ने। मैं इरेंगल को बचा लूंगा, काला दी गैंगस्टर इज हियर। उससे पहले मुझे कुछ बंदे चाहिए जो इसमें मेरा साथ देंगे। छप्पन भाई बच के रहना, अब तेरी भी उल्टी गिनती शुरू करूंगा मैं। छप्पन भाई, अपने जो बंदे काले को मारने गए थे ना, उन सबको मार दिया उसने। अभी एक बंदा बता रहा था उधर ब्रिज के पास बैठे बैठे। काला 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 कौन है ये साला? इसकी इतनी हिम्मत, छप्पन भाई के आदमी को मारा इसने। चलो गाड़ी निकालो रे, आज उस काले को ही देखना पड़ेगा। Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Yo, do my own thing, and I maintain. Woo! Flow like water, so I'm going mainstream.
I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. यही रहता है वो काला छप्पड़ भाई, चलिए अंदर। अरे छप्पन भाई, कैसे आना हुआ हम गरीब के घर, आप जैसे डॉन का एक फोन कर देते मैं ही आ जाता तुम्हारे पास। अबे ओए काले, तू क्या समझ रहा है बे अपने आप को, दो चार बंदों को मारकर तू पबजी के डॉन का सामना करेगा क्या बे? अरे मैंने कब कहा, ये तो तुम खुद ही कह रहे हो, और ये मेरा घर है, आवाज़ थोड़ी धीमी रखो, तुम्हारा घर नहीं है जो अपनी मर्जी चलाओगे। लगता है बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को, उतारनी पड़ेगी। तो ऐसे हमला करोगे क्या तुम लोग, इतने तो बंदे हो तुम और ऊपर से हथियारों के साथ, और मैं अकेला बिना हथियार के। रुको पहले बराबरी तो कर लो, मैं भी ऊपर से अपने हथियार लाया। तेरे पास भी हथियार है क्या, या पिचकारी से लड़ता है? जा मुन्ना उठा ले, मैं यही हूँ। अब उसको इतनी देर क्यों लग रही है, देख कर आओ तो। बॉस काला भाग गया, वो रोजक ब्रिज की तरफ भाग रहा है। पकड़ो सालों को, बचने ना पाए। यार ये तो बढ़िया बढ़िया हथियारों के साथ आए हैं यार, इनको हराने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। पीछे ही है भाग ले काले, किसी खुली जगह पर। क्यों रुक गया बेटा, छप्पन भाई से बचकर भागना आसान नहीं, अब यहीं तेरी पेटी बनाकर नदी में स्वाहा कर दूंगा। अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गया। अबे अकल के अंधो, तुम अभी तक नहीं समझे, वो मेरा घर था, अगर मैं वहाँ लड़ता तो तुम सब मेरा घर तहस नहस कर देते, इसलिए मैं यहाँ आराम से खुले में मारूंगा ना सबको, और फिर उठाकर नदी में फेंक दूंगा। चलो रे सब मारो गोली इसको, इसको इतनी गोलियां मारना, इतनी गोलियां मारना जब तक इसके शरीर में से सब चीजें दिखने ना लग जाए आर पार। गोली मारने से पहले सोच लेना, जिसकी भी गन से गोली निकली ना उसका सर तरबूज की तरह फोड़ दूंगा मसल कर, ऐसी वार्निंग समझो या सलाह, तुम्हारी मर्जी है। तू क्या सोच रहा है, ये तेरी इन बातों से डर जाएंगे, मारो इसको। रुको, एक ऑफर तुम सबके लिए, जितनी सैलरी छप्पन भाई देता है ना तुमको, मैं उससे 3 गुना दूंगा, मेरे साथ मिल जाओ। क्यों भाई, छप्पन भाई के राइट हैंड कितनी उसी मिलती है तेरे को? 10,000 यूसी महीने की। ओ भाई मारो मुझे, क्या वे साले, वैसे तो बड़ा डॉन बना फिरता है तू, और जो तेरे बॉडीगार्ड बने फिरते हैं उनको बस तू 10,000 यूसी देता है। ये हमारा मामला है, तू बीच में मत आ, और तुम सबने सुना नहीं जो मैंने कहा, मारो जल्दी से इसको। मैं सबको यही काम करने के 50,000 यूसी दूंगा, मेरी तरफ आ जाओ सारे के सारे। छप्पन भाई बूम हो गया, हो गए ना अकेले, चलो निकलो और अपने आप को गोली मार कर सुसाइड कर लो, नहीं तो लोग कहेंगे काला दी गैंगस्टर ने डॉन को मार दिया। मरते टाइम भी बेइज्जती करवाओगे क्या अपनी, जाओ नेड कर लो थोड़ी दूर जाकर। और तुम सब, तुम्हारे लिए भी कुछ है मेरे पास, सब नीचे बैठो जल्दी अपनी अपनी जगह पर, और गन्स को नीचे फेंक दो जल्दी। सालो तुम, तुम्हारे मालिक के ना हो सके मेरे क्या होगे, तुम सब गद्दार हो, कुछ पैसों के लिए लालच के लिए अपने मालिक को धोखा दे दिया। बस फिर क्या था, काले ने इधर छप्पन भाई को मारा और पूरे इरेंगल ने दिवाली सी बना दी बम फटाके जलाकर। सब खुश थे क्योंकि वो सब छप्पन भाई जैसे हिटलर से आजाद हो चुके थे और काला दी गैंगस्टर इरेंगल का किंग बन चुका था। यहीं से काला दी गैंगस्टर की कहानी ऐसे ही चलती रही, जो भी इरेंगल में काले से भिड़ने आया काला दी गैंगस्टर ने उनको भी मार दिया और सभी के दिलों पर काला राज करता रहा।
बस यही अनटोल्ड स्टोरी थी काला दी गैंगस्टर की। और आजकल आप काले की स्टोरी तो देख ही रहे होंगे, काला मिलेनियर गैंगस्टर भी तो बन चुका है, तो थोड़ी सी झलक भी देख लो उसके अमीर बनने की। तो दोस्तों कैसी लगी काला दी गैंगस्टर की स्टोरी, यानी काला दी गैंगस्टर पहले क्या था और अब क्या बन चुका है, तो ये स्टोरी कैसी लगी एक बार जरूर से जरूर कमेंट जरूर कर देना बस भाई। और जितने भी काला दी गैंगस्टर के फैन है ना, मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करके अपने एक एक दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो आके हमारी वीडियो देखें और हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और हमारी शॉर्ट फिल्म्स का हिस्सा बने। तो गाइज बस ये कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाले सीरीज के लिए। सीजन 3 का ट्रेलर बहुत ही जल्दी आएगा और बहुत ही जल्दी हम सीजन 3 लाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है आप सभी को वेट नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो अगर आपको भी पैसे कमाने हैं और 777 जेम्स रीस्पिन वाला गेम खेलना है, तो आप forabet.com पर जाकर गेम खेल सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट डिपॉजिट पर 200% का बोनस भी मिलेगा।